So, today we are reacting Charlie Puth and Jungkook, Left and Right, Sip of Coffee. Let's go. First screen recording. Shallow. Left and right, I can feel you over here, I can feel you over here, you take up every corner. मुझे उसका कॉन्सेप्ट पता है. मेरे पास अभी एयरफोन नहीं है. समवन स्टोल माय एयरफोन. टाइम है अभी भी, दे दे, किसी को नहीं पता हूँ. तो उसमें लेफ्ट एंड राइट की आवाज़ वन एयरफोन में और दूसरे एयरफोन में आती है. और इसका कोरस में टिकटॉक पर बहुत ज़्यादा, टिकटॉक नहीं, टिकटॉक तो बैन नहीं है, मतलब इंस्टाग्राम पर डाला था. तो वो रिपीट पे सुन चुका हूँ, मुझे कोरस पूरा लर्न है उसका. तो कैप्शन नहीं, मुझे लगा अभी अशर का उसने. सबसे ज़्यादा चार्ली पर ग्रीन सूट बहुत ज़्यादा सूट कर रहा है, बहुत ज़्यादा सेक्सी लग रहा है. जब से मैंने वो सुना था ना, जब से सुना था तब से दिन में माइंड में बैठ चुका था वो कोरस. दिन रात वो गा रहा था कि फील हो या कि फील हो या. अभी भी लुक्स सो ब्यूटीफुल ऑलवेज. और ये आउटफिट, बॉय विथ लव में यही आउटफिट था क्या? मैं यहाँ बॉय विथ लव पिंक वाला ही था. जंगू की इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है और वोकल्स हमेशा ही अच्छे होते. एक्सप्रेशन देखो यार, एक्सप्रेशन देखो. वो चार्ली ने अभी जो स्टेप किया ना, हमारे यहाँ वो अंकल दारू पी के गए थे, ऐसा ऐसा वाला. शादी में नाचते वक्त दारू पी के नाचते शादी में. Yeah, not
किसने की थी, आई नॉट वो जंगू कैसे कर रहा था, मेरे को लगा जंगू ने की थी, नहीं वो चार्ली ने की थी, आवाज बहुत ज्यादा सेम है ना उनकी इसलिए। रुक रुक रुक, मैंने अभी कुछ नोटिस किया, हाँ ये देखो इसके जंगकुक का कॉस्ट्यूम पिंक है, चार्ली का ग्रीन है, जंगकुक के जूते जूते ग्रीन है, चार्ली के सॉक्स पिंक है। नेक्स्ट लेवल है ना, नहीं मेरी नजर, आई एम इंटेलिजेंट बॉय यू नो, ये जो भी वो क्या कहते हैं उसे, किक कहते हैं शायद उसको, जो उन्होंने वो उसे तोड़ने के साथ कंबाइन किया ना, बहुत ज़्यादा कूल लग रहा था। या शायद वो आवाज़ तोड़ने वाली ही थी, क्योंकि जैसे मैं चार्ली के टिकटॉक देखता हूँ उसमें वो लाइट स्विच में उसने लाइट स्विच का वो साउंड लिया था, शायद इसमें भी तोड़ने वाले लिया होगा। तो क्या कह सकता हूँ, तो लास्ट में हम इसे 10 से रेट करेंगे। अगर मैं इसे पॉइंट्स देना चाहूँ आउट ऑफ 10 तो फर्स्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद कर लेता हूँ, हाँ अगर पॉइंट देना चाहूँ आउट ऑफ 10 तो मेरे लिए होंगे 8 out of 10। 8 इसलिए क्योंकि मुझे म्यूज़िक वीडियो, म्यूज़िक प्रोडक्शन, वोकल्स बहुत ज़्यादा पसंद है, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग, और अगर मैं दो जो मैंने काटे उसकी बात करूँ तो फर्स्ट इसके लिए कि इतना अच्छा सॉन्ग चल रहा था और सॉन्ग थोड़ा सा शॉर्ट हो गया, मुझे ऐसा लग रहा था कि और थोड़ा बड़ा होना चाहिए था सॉन्ग, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहा था ये वाला म्यूज़िक। और एक और काटा इसके लिए क्योंकि मुझे थोड़े लिरिक्स रिपीटेड लगे, ओवरऑल सॉन्ग बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब कुछ यूनिक ट्राई किया गया है, जैसे ईयरफोन ईयर वो स्पीकर में इधर और उधर वाला हो गया, और चार्ली ने शायद उसमें का इंटरव्यू में कहा था कि ये उस कुछ इंस्पिरेशन है पुराने वाले सिंगर से जिन्होंने पहले भी ऐसा कुछ ट्राई किया था, बट और अगर बात करूँ जेके की तो फेवरेट है, और सुना है कि अभी सबके सोलो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जो अपने शायद अभी कुछ पोस्ट किया है जिसके हिसाब से एल्बम आ रही है, उस पर भी रिएक्शन होगा। ओ रुक जा प्लीज, उस पर भी रिएक्शन होगा, और जितने भी सोलो आएंगे उस पर भी रिएक्शन होगा, सब पर रिएक्शन होगा।